हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप सब अच्छे हैं। तो आज यहाँ पे हो गया है सैटरडे, तो सारा का ऑलमोस्ट फॉल ब्रेक खत्म होने वाला है, तो हम लोग आज उसको लेके कहीं घूमने जा रहे हैं फॉल कलर देखने। तो चलिए आप लोगों को भी लेके चलते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग हमको बोलने दो बेटा। तो जैसा आप हम लोग दुर्गा पूजा में गए थे घूमने, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि काफ़ी सारे हमारे फ्रेंड्स बने हैं, तो उन्हीं में से आज एक फ्रेंड है जिसके साथ हम लोग मीट करेंगे जहाँ पे जा रहे हैं। तो वो जगह का नाम है ब्लूमिंगटन। तो यहाँ से हमारे घर से ऑलमोस्ट 1 घंटा का रास्ता है। तो हाँ, सारा भी बोल रही है 1 घंटा का रास्ता है। तो हम लोग जब पहुँचेंगे होपफुली वो लोग भी पहुँच जाए और हम लोगों से मीट हो जाए। तो देखते हैं कैसे हम लोग मिलेंगे, क्योंकि वो लोग अलग जगह में रहते हैं और वहाँ से वो लोग आ रहे हैं। तो चलिए फिर वहाँ पे जाके फिर आप लोगों को भी अगर हो सके मिलाएंगे और दिखाएंगे हम लोग जिस जगह में जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, वो क्यों इतना फेमस है। चलते चलते थोड़ा बात भी कर लेंगे और आप लोग भी यहाँ का नज़ारा देखते रहिए। तो जो हम लोग जिस फ्रेंड से एक्चुअली बोले फ्रेंडशिप हुआ है, वो एक्चुअली सारा के वजह से ही हो पाया। वो सारा के वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो लोग सब सारा के फ्रेंड्स बन गए थे। तो उसी का जो आज मिलने जा रहे एक बेटा है, इसका नाम ईशान है। तो वो 4 साल का है और सारा भी, मतलब दोनों सेम एज के हैं। तो बस हम लोग इसीलिए, और अच्छा इन लोगों का फ्रेंडशिप भी हो गया है तो इसलिए जा। तो अभी अभी मैसेज आया, तो जो फ्रेंड है वो लोग अभी निकले हैं, तो पता नहीं अभी मिल पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट अब 1/2 आवर में पहुंच जाएंगे। तो हम लोग पहले एक और जगह जाएंगे, ब्राउन्स काउंटी स्टेट पार्क, तो पहले वो घूम लेंगे। होपफुली जब तक हम लोग लंच वगैरह करेंगे तब तक वो लोग आ जाए और फिर आप लोगों से भी मिला पाए। तो जैसा कि मैंने दुर्गा पूजा वाले ब्लॉग में भी बोला था, यहाँ भुट्टा का खेती काफ़ी होता है, तो आज भी हम लोगों को काफ़ी भुट्टा का खेत वगैरह दिखा। तो थोड़ा देर में आप लोगों को आगे जाके एक कॉर्न मिल भी दिखेगा। तो बस मैंने थोड़ा ही उसको कैप्चर कर पाई और आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया कि ये कॉर्न मिल है। सामने का ये नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। तो ये जो एरिया आप लोग देख रहे हैं, ये काइंड ऑफ हिल एरिया है, थोड़ा ऊंचा नीचा है। इंडिया में जैसे हिल एरिया में क्या होता है, थोड़ा गोल गोल घूम के हिल चढ़ना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ना रोड सीधा सीधा है, तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ हिल में है वो पता चल रहा था, क्योंकि कभी ऊंचा कभी नीचा ऐसा चल रहा था। तो अच्छा था, ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा रहा। दोनों साइड देखने में काफ़ी सुंदर लग रहा है और यहाँ पे फॉल कलर भी काफ़ी अच्छा आ चुका है, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और कलर भी और ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, आप लोगों को काफ़ी सारे कलर्स दिखेंगे। तो हम लोग जब जा रहे थे, मैं और राजेश बात कर रहे थे, हम लोगों को याद आ रहा था जब हम लोग इंडिया में रहते थे तो ऐसे रोड वगैरह हम लोग मूवी वगैरह में देखते थे। और आप लोगों को जो भी मोहब्बत मूवी देखे हैं उसमें एक पत्ता था, तो वो भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। इवन आई थिंक वो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे राजेश के, वो शायद कैनाडा का कुछ है ट्री है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था ये सब देख के कि फाइनली हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, यहाँ से ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर दूर है, लेकिन बोल रहा है कि जाने में अभी 17 to 20 minutes लगेगा, क्योंकि पूरा ट्रैफिक है 0.5 miles। You are still on the fastest route। तो मैप ने भी बोल दिया कि अभी बहुत टाइम लगेगा क्योंकि पूरा ट्रैफिक है और शायद सभी लोग उधर ही जा रहे हैं, तो देखते हैं कब तक पहुंचते हैं। देखिए जितना दूर तक देख सकते हैं अभी पूरा गाड़ी का लाइन है। और ये जो हम लोग पार्क जा रहे हैं, ब्राउन्स काउंटी स्टेट पार्क, ये काफ़ी फेमस है और इस टाइम पे सभी लोग आते हैं, क्योंकि इसके बाद क्या होगा ना,
ठंडा आ जाएगा, और एक बार ठंडा आ गया तो बस फिर सब घर के अंदर बंद हो जाएंगे। तो इसीलिए सब चाहते हैं कि लास्ट लास्ट का जो भी ये सीजन है विंटर से पहले सब घूमना चाहते हैं। ये जो ब्रिज आप लोग देख रहे हैं ये पूरा वुडन का ब्रिज है। तो हम लोग ऑलमोस्ट फाइनली एंटर कर ही गए हैं, काफी सारा ट्रैफिक से आगे निकल गए हैं, लेकिन अभी भी आगे। यस बेटा, अभी भी आगे काफी ट्रैफिक दिख रहा है, पता नहीं कहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। तो हम लोग तो अभी पहुंच गए हैं, तो देखते हैं वो लोग कब आते हैं, लेकिन तब तक आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए देखिए, यहाँ पे बहुत ही मतलब ये एक काइंड ऑफ स्टेट पार्क है। तो स्टेट पार्क में क्या होता है, जो आप लोग देख रहे हैं सामने बहुत ही अच्छा कलर दिख रहे हैं, और ये काइंड ऑफ फॉरेस्ट नहीं बोल सकते हैं, बट हाँ काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब यहाँ पे आपको चल के घूमना होता है, गाड़ी से उतना अच्छे से घूम नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखिए बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं, हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे लिए पहला एक्सपीरियंस है। तो हम लोग थोड़ा और अंदर की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं उधर भी बहुत लोग गाड़ी लेके जा रहे हैं, और काफी आज भीड़ है, इंडियंस बहुत है आज। तो देखेंगे कि और क्या है अंदर की तरफ, पता तो नहीं चल रहा है फिलहाल। और दोनों तरफ आप लोग देख सकते हैं अभी भी फॉल कलर आए हैं, बट बहुत अच्छे तो नहीं आए हैं, क्योंकि और कलर्स और अच्छे होते हैं, पर स्टिल देखने में काफी सुंदर लग रहा है। यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स तो काफी सारे हैं, लेकिन आज इतना ज्यादा भीड़ है कि हम लोग को कहीं पार्किंग नहीं मिल रहा है। तो आगे कुछ एक अच्छा सा लेक था, पार्किंग नहीं मिलेगा तो पता नहीं हम लोग नहीं जा पाएंगे, तो देखते हैं क्या होता है। तो पार्किंग तो नहीं मिला है, लेकिन राजेश अभी गाड़ी घुमा रहे हैं। तो पार्किंग नहीं मिला है, लेकिन राजेश को बोले ठीक है तुम ढूंढते रहो, तो मैं आप लोगों को थोड़ा दिखा देती हूँ तब तक। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं काफी सुंदर एक लेक है, लेकिन क्योंकि आज बहुत भीड़ है तो पार्किंग का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो मैं अकेले ही आके थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को दिखा दे रही हूँ। आज ठंड भी थोड़ा कम है तो हम लोग अच्छे से घूम पा रहे हैं, नहीं तो इतना ठंड में यहाँ पे खड़ा रहना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए काफी सारे लोग यहाँ फिशिंग भी कर रहे हैं। फाइनली राजेश को पार्किंग मिल गया और वो लोग भी आ गए, सारा भी और राजेश भी, वो लोग आ गए, हम अकेले ही आए थे। तो चलिए आगे भी थोड़ा देखते हैं और क्या क्या है। तो ये सब जगह में ना आप थोड़ा बड़ा ग्रुप लेके आओ, थोड़ा यहाँ पे पिकनिक करने का भी स्पॉट वगैरह है, बैठ के खाने पीने का भी जगह है, तो वो सब के लिए बहुत अच्छा जगह है। और ठंड भी उतना ज़्यादा नहीं था कि आप बैठ नहीं सकते हैं। तो मैं देख रही थी काफ़ी सारे फैमिलीज़ या काफ़ी सारे फ्रेंड्स एकदम ग्रुप बना के आए थे, और वो लोग ना उसमें से काफ़ी सारे इंडियन भी थे, तो वो लोग एक जगह में बैठ के खाना वाना घर से लाए थे। तो देखते हैं, अभी हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स बनने शुरू हुए हैं, हम लोग भी कभी प्लान करेंगे जब ठंड नहीं रहेगी। अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो ये हम लोगों का यूएस में फर्स्ट हिल का एक्सपीरियंस है। इवन आई गेस हम लोग इंडिया में भी कभी हिल में कार नहीं चलाए हैं, तो काफ़ी सही रहा एक्सपीरियंस और अच्छा था काफ़ी, होप आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अभी और एक जगह जाएंगे, जैसे आप लोगों को बोले थे ब्लूमिंगटन, तो वहाँ जाएंगे और वहाँ पे कुछ स्पॉट्स है वो भी कवर करेंगे आज। तो फाइनली हमारे फ्रेंड लोग आ गए थे और उन लोगों से हम लोग मिल लिए थे,
क्योंकि हम लोग ऑलरेडी रिवर साइड होके आ गए थे, तो उन लोगों को हम लोग बोले आप लोग भी घूम के आइए, अच्छा लगेगा। वैसे तो वो लोग पहले भी फॉल कलर बहुत देखे क्योंकि वो लोग काफ़ी टाइम से यूएस में हैं, बट स्टिल क्योंकि बच्चे लोगों को अच्छा लगता है तो वो लोग आ जाते हैं। तो अभी आप लोग हमेशा ही मिलते रहेंगे और बच्चे लोग, अब अच्छा है कि सारा को कंपनी मिल गई और उसको काफ़ी अच्छा अच्छे फ्रेंड मिल गए। तो सारा भी बोल रही है कि मुझे भी यहाँ पे झूला में झूलना है, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं कि चलो अभी और भी 2-3 स्पोर्ट्स है उसको कवर करना है। तो पता नहीं ये अभी यहाँ पे कितना लेट हुआ, ऑलरेडी 3 o'clock हो गया है और हम लोग अभी लंच भी नहीं किए हैं, तो आज थोड़ा लंच लेट हो गया है। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा देर में निकलेंगे लंच के लिए। तो जैसे कि राजेश ने बोला, हम लोग ऑलरेडी लेट हो चुके थे लंच के लिए, फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो एक बार खेलना ही होता है पार्क दिखे तो। और सारा अभी इतनी इंडिपेंडेंट हो गई है स्कूल जाके कि अब वो अकेले ही पार्क में सब कुछ कर लेती है। तो फाइनली जब उसका मन भर गया फिर हम लोग वहाँ से लंच के लिए फिर निकल गए। तो हम लोग अभी आ गए हैं वहाँ से, फ्रेंड लोग भी आ गए थे, आप लोग देख लिए। तो अभी खाने के लिए सोचे थे इंडियन रेस्टोरेंट जाएंगे, लेकिन वो मौका तो नहीं मिला, तो हम लोग फाइनली मैकडी आए हैं, वहीं से पेट पूजा करना पड़ेगा। तो चलिए अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे अच्छा था कि ये ऑटोमेटिक सेल्फ सर्विस सिस्टम था, तो हम लोग को ज़्यादा क्यू में नहीं रहना पड़ा और हम लोग यहीं से सब कुछ ऑर्डर कर दिए और यहाँ से एक नंबर ले लिए जो हम लोग अपने टेबल में जाके फिर रख दिए थे, और पेमेंट वगैरह सब यहीं पे हो गया था। तो ये अच्छा लगा मुझे, क्योंकि नहीं तो फिर काफ़ी भीड़ था, मुझे लग रहा था फिर वेट करना पड़ेगा काफ़ी देर तक। यहाँ पे हम लोगों को एक नंबर दे दिया गया है, जैसे हम दिखाएंगे ऑनलाइन कैसे यहाँ पे ऑर्डर होता है, सेल्फ सर्विस है। तो अभी 41 जैसे ही आ जाएगा तो हम लोग फिर अपना ऑर्डर लेके आ जाएंगे। तो राजेश ने मुझे बताया नहीं, ऑर्डर लेके नहीं आना है, वो लोग 41 कॉल करेंगे, खुद ही ऑर्डर लेके टेबल में आएंगे। एंड वही हुआ, वो लोग फिर हम लोगों का ऑर्डर लेके, और ज़्यादा बहुत ज़्यादा देर नहीं लगा था, आई थिंक 10-15 मिनट्स के अंदर वो लोग लेके आ भी गए थे। और राजेश और सारा दोनों को ही बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। हमारा खाना आ चुका है और सारा भी ऑलरेडी एक्साइटेड है, तो उससे अब रहा नहीं जा रहा है, तो हम लोग बस आज यही खाने वाले हैं लंच में। तो फाइनली हम लोग लंच करके निकल गए हैं, और ये जो भी हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं, ये चारों ब्लूमिंगटन जा रहे हैं, तो ये चारों तरफ बस ऐसे ही हम लोग फॉल कलर देखते देखते ही जाएंगे। और वहाँ ये एक छोटा सा शहर है, और ये सब रोड देख के ऐसा लग रहा था बस इस रोड में गाड़ी चलता रहे और बस हम लोग चारों तरफ के जो ये नज़ारे हैं वो देखते रहे। बट हाँ, जो कार चलाता है उसको पता होता है कि क्योंकि वो बहुत टायर्ड हो जाते हैं, तो जैसे राजेश अकेले ही चलाते हैं, अभी तक मुझे ड्राइविंग नहीं आती है, तो मैं भी सोच रही हूँ बहुत जल्द मैं भी ड्राइविंग सीख लेती हूँ ताकि उनको ज़्यादा ड्राइव ना करना पड़े। बाकी ये सब बहुत ही अच्छा लगा और फिर हम लोग ऑलमोस्ट फिर पहुंच गए थे। तो चलिए आगे जाके देखते हैं और क्या क्या है यहाँ पे। तो हम लोग आ तो गए हैं, लेकिन मुझे नहीं पता है कि मैं ठीक जगह लेके आई हूँ कि नहीं। मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बोली हूँ कि हाँ, मुझे पता है यहाँ पे स्पॉट है। तो चलिए देखते हैं कुछ आगे देखने के लिए मिलता है या नहीं। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप जो देख रहे हैं, ये है इंडियाना यूनिवर्सिटी। तो ये काफ़ी बड़ा कैंपस है, तो पता नहीं मुझे लगा था यहाँ अंदर जाने का शायद एक्सेस होगा, तो वो आगे जाके ही पता चलेगा। बट हाँ, काफ़ी सुंदर है, और ये ब्लूमिंगटन एक शहर जैसा है। तो हम लोग देखते हैं कि और यहाँ पे क्या क्या है देखने के लिए, बट ये कैंपस बहुत ही सुंदर लगा।
तो फिर वो यूनिवर्सिटी देख के फिर हम थोड़ा सिटी के तरफ और थोड़ा अंदर गए, और ये देखिए ये सिटी का व्यू है। ठीक ही ठाक था, मतलब गांव तो नहीं था, ये सिटी था तो ठीक था। और आगे जाके और एक स्पॉट था तो उसको भी हम लोग कवर किए। बट आई डोंट नो, काफ़ी सारे स्पॉट्स ऑलरेडी बोला हुआ था कि बहुत सारे स्पॉट्स है, बट कुछ तो कन्फ्यूजन हो गया मुझे। तो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट स्पॉट में आ गए थे। ये था मॉन्ट्रो काउंटी कोर्ट हाउस, इसका नाम था। तो एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, बट नाम से मुझे जितना समझ में आ रहा है, अब कोर्ट हाउस है ज़रूर कुछ वैसे लॉ से रिलेटेड कुछ होगा। और यहाँ पे बस हम लोग फिर थोड़ा सा इधर उधर देखे, सिटी का व्यू देखे। और उस तो ये हम लोग आए हैं, ये ब्लूमिंगटन का डाउनटाउन है। तो यहाँ पे बैंक और जो भी ऑफिस वगैरह सब कुछ है। तो बस यहाँ पे हम लोग थोड़े बहुत फोटोज वगैरह क्लिक किए, और सारा भी टायर्ड थी। और काफ़ी हम लोगों को लगता है यहाँ आते आते थोड़ा टाइम हो गया था, और दो तीन स्पॉट और मुझे जाने थे, लेकिन वो भी काफ़ी दूर था तो मैंने अभी के लिए उसको स्किप कर दिया। देखते हैं, अगर नेक्स्ट टाइम कभी आएंगे तो ज़रूर उसको कवर करेंगे। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का और लगभग हो ही गया है, अब हम लोग सोच रहे घर निकलेंगे। हाँ बेटा, क्योंकि सारा भी अभी काफ़ी वो थक गई है, उसको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए। तो चलिए फिर घर जाते जाते थोड़ा और बात कर लेंगे। तो हम लोग अब घर वापस लौट रहे हैं, और यही फॉल कलर के साथ आज का वीडियो भी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तो होप आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जो भी अभी नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग ठीक से रहिएगा, एंड बाय बाय।